हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 का लेसन 4, जिसका नाम है द कल्चरल पैटर्न्स इन इस्लामिक वर्ल्ड। अब हमने पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था कि इस्लाम का राइज कैसे हुआ। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो इस्लाम में कई प्रकार के कई कई अलग अलग कल्चर्स हैं, अब उनको जानेंगे कि उनका कल्चर कैसा है, उनका पैटर्न कैसा है, उनका ट्रेडिशन कैसा है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो देखिए, इस चैप्टर में आप मेनली तीन कल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो पहला कल्चर है वो है अदब। अब देखिए, आपने कईयों ने इनका नाम सुना होगा, अदब का नाम, मतलब आप ऐसे कहते हैं ना कि इसका अदब देखिए, किस अदब से रहता है। तो मतलब हम उसमें क्या देख रहे हैं, उसका रहने सहने का तरीका देख रहे हैं, उसका बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उसका रहन सहन देख रहे हैं, मतलब उस कितने अदब से वो रहता है, तो उसमें हम अदब देख रहे हैं। तो देखिए, ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से, तो उस टाइम पे यानी इस्लामिक लैंड पे यानी अरेबिया में जो एलीट क्लास के लोग हुआ करते थे। एलीट कौन थे? जो एरिस्टोक्रेट, जो नोबल लोग हुआ करते थे, जिनके पास पावर और पैसा दोनों हुआ करता था। तो उनकी लिविंग कैसे थी, मतलब वे ऑफ लिविंग, वो कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे चलते थे, तो ये सब चीजें को हम बोलते थे उस टाइम पे अदब। तो अदब क्या है? अमीर और पावरफुल लोगों का वे ऑफ लिविंग है, यानी अमीर लोगों के जीने के तरीकों को ही अदब बोलते हैं। तो देखिए, जो अमीर क्लास के लोग हुआ करते थे ना, इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को कल्टीवेट करा, मतलब उन्होंने कल्टीवेट करने से मतलब है वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, मतलब उनकी जो वे ऑफ लिविंग है ना, उन्होंने धीरे धीरे उसमें सुधार किए और इतने अच्छे बनाए कि उनको फिर अदब का नाम दे दिया। तो अब आप सुनते होंगे कि आप जैसे कि कोई बड़ा आदमी होता है ना, वो बड़े अदब से रहता है, यानी हर चीज वो बिल्कुल परफेक्टली करता है, तो वो जो अदब है ना, ये वे ऑफ लिविंग है। अब देखिए, जो अदब है एकदम से तो आया नहीं होगा, ये धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई थी। तो देखिए, जो प्रोविजनल सेंटर्स होते हैं और जो कोर्ट के अराउंड सेंटर्स होते हैं, वहां पे सबसे पहले अदब से लोग रहना स्टार्ट किए। तो ये जो प्रोविजनल सेंटर होते हैं, जो मेन सेंटर, जैसे वो मस्जिदें वगैरह होगी, जो भी मस्जिद होते हैं और जो भी मतलब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं जहां से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, वो सारी चीजें, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, और जो मर्चेंट्स होते हैं, जो मतलब पावरफुल होते हैं, जिनके पास पैसा और पावर होती है, तो यही ऐसे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले अदब से रहना स्टार्ट किया। और ये चाहते थे समाज में एक स्टेबल सोसाइटी और एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते थे, तो इन्होंने ये अदब की शुरुआत करी, एक अदब कल्चर की शुरुआत करी कि हमारे जो भी अच्छे लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो एक अदब से रहें। अब देखिए, इस कल्चर की वजह से क्या हुआ, ब्रेक विद ओल्डर ट्रेडिशन। तो उनका जो पुराना ट्रेडिशन था, उनका जो भी पुराना कल्चर था, उनकी जो परंपराएं थी ना, उनसे वो ब्रेक हो गए, यानी टूट गए। तो देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ा था राइज ऑफ इस्लाम, मैंने उसमें बताया था कि जब इस्लाम की शुरुआत नहीं हुई थी, तो उससे पहले जो लोग थे वहां के, वो बहुत सारी मूर्ति पूजा करते थे, उनकी अलग अलग परंपराएं थी, अलग कल्चर था उनका। तो उसके बाद क्या हुआ, जब इस्लामिक कल्चर आया ना, जब इस्लामिक सोसाइटी का गठन किया गया, तो उनकी जितनी भी पुरानी जो ट्रेडिशन था, कल्चर था, वो सब खत्म हो गया, और जितनी भी ओल्डर सिविलाइजेशन थी, जो उनकी पुरानी सभ्यता थी, वो भी खत्म हो गई, और उनके साथ साथ जो उनका रिलीजन था, वो भी खत्म हो गया। और देखिए, जो अदर अब्राहमिक रिलीजन थे ना, उनका ट्रेडिशन भी खत्म हो गया। अब अब्राहमिक रिलीजन कौन से थे, जो मैंने आपको बताया था, इस्लाम से पहले यहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते थे और जूस लोग रहते थे, जो अलग अलग भगवान को मानते थे, तो उनका भी जो ट्रेडिशन था, वो भी खत्म हो गया। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पे जितना भी लिटरेरी जो भी काम था ना, वो भी खत्म हो गया, जो लिखित रूप में, जो साहित्यिक रूप में, जो भी उन्होंने ग्रंथ वगैरह लिखे होंगे अपने, वो भी खत्म होने लग गए। लेकिन देखिए, लेकिन कुछ कुछ जैसे साइंस, फिलोसफी, हिस्ट्री, नेचुरल साइंस, ये अभी भी वहां पे बने हुए थे, इनका जो साहित्यिक रूप था वो था, और लोग इसको अपना भी रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस्लाम आया, तो पूरी जो इस्लामिक सोसाइटी थी, वो अपनी जो ओल्डर सिविलाइजेशन थी, उससे अलग हो गई, पूरी तरीके से एक नई सिविलाइजेशन बन चुकी थी, जो पुरानी सिविलाइजेशन थी पूरी खत्म हो चुकी थी। अब देखिए, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था अदीब। तो ये अदीब का ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था अदब कल्चर में। अब देखिए, ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि जो अदब कल्चर को फॉलो करते थे, उन लोगों को अदीब कहा जाता था, ऐसा नहीं था, अदीब एक अलग व्यक्ति थे। तो देखिए, जो अदीब थे ना, उनके पास अरेबिक लिटरेचर और कई सारे पोएट्री के उनके पास नॉलेज थी, वो अच्छे से अरेबिक लैंग्वेज को जानते थे, और वो मुदारी अरेबिक लैंग्वेज को भी जानते थे, और फलसफ, ये सारी लैंग्वेजेस है, इनको भी जानते थे, हिस्ट्री को जानते थे, जियोग्राफी, जो सरिया कानून था ना, उसको भी अच्छे से जानते थे, तो कंट्री के जितने भी रूल और रेगुलेशन थे, उनको भी वो अच्छे से जानते थे। तो एक मतलब एक बहुत ही बढ़िया जानकार थे। तो इतने बढ़िया जानकार थे, फिर उन्होंने क्या करा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करा, और कई सारे लिटरेचर भी दिए, उन्होंने कई सारी चीजें बताई कि ये ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब उन्होंने इस्लामिक लिटरेचर में अपना बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। अगला है कल्चरल वाइटलिटी एंड कंक्वेस्ट, यानी सांस्कृतिक जीवन शक्ति और विजय। अब देखिए, जो लोग थे ना, उन्होंने अपनी पुरानी संस्कृति, जो उनका ओल्डर ट्रेडिशन था, उसको छोड़ दिया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनमें जीवन शक्ति आ गई थी, जो मुस्लिम पीपल थे उनके अंदर जीवन शक्ति आ गई थी, क्योंकि उन्होंने अपना जो पुराना ट्रेडिशन था उसको छोड़ दिया था, और जो नया ट्रेडिशन था उसको अपना लिया था।
तो जीवन शक्ति के आने की वजह से क्या हुआ, अब जो नई नई टेरिटरीज है ना उनपे उनको जीत सकते थे विदाउट अ फियर। अब उनको ये कोई डर नहीं था कि जो हमारी जो पुरानी जड़े हमारी जो लोकल रूट्स है ना उससे हम अलग हुए बिना भी हम दूसरे देशों पर विजय हासिल कर सकते हैं। तो देखिए वो इस्लाम को फॉलो करते करते भी कई सारी नई टेरिटरीज जीतने लग गए थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अदब कल्चर था वो बहुत ही ज्यादा फैल गया और बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हो गया। और देखिए जो इजिप्ट था और ईरान था इसमें जो अरेबियन लैंग्वेज ना बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई, फैल गई और लोगों को पसंद आने लगी। तो आज के टाइम पे भी जो इजिप्ट और ईरान के लोग है वो अरब भाषा ही बोलते हैं। अब देखिए स्ट्रिक्ट रूल यानी सख्त नियमों के कारण और मैसमराइजिंग रिसिटेशन, इसका मतलब होता है मंत्र मुग्ध पाठ। तो सख्त नियमों के चलते और मंत्र मुग्ध पाठ के चलते जो अदब था ना उसने जो पोएट्री थी उसमें यानी कविता में एक सर्वोच्च स्थान हासिल कर लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो पोएट्री जब लिखी जाती थी, पोयम लिखी जाती थी, उसमें जब भी अदब के बारे में लिखा जाता था तो बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता था और अच्छी तरीके से उसमें लिखा जाता था। तो जो अदब है ना उसने कविताओं में बहुत ही एक प्रथम स्थान ले लिया था, सर्वोच्च स्थान ले लिया था। अब देखिए कुछ कवि थे जिनका नाम था इमरू अल केस और अल मुतनबी। तो ये जब अपनी विरासत छोड़ रहे थे, विरासत का कहने का मतलब जो उनकी पोएट्री थी, पोयम थी और जो जितना भी लिटरेचर था, जब वो ये सब छोड़ रहे थे तो उन्होंने एक असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। तो कहने का मतलब ये कि इनका जो भी लिटरेचर पोयम या पोएट्री थी उसमें इन्होंने अदब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके कल्चर के बारे में अच्छे से बताया। और देखिए जो अदब है वो एक ब्यूटीफुल फ्यूजन है वर्ड्स का और विजुअल आर्ट्स का। तो फ्यूजन का मतलब होता है मिश्रण, यानी दो चीज जब एक साथ मिलती है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। तो जो अदब है वो है वर्ड यानी शब्द का और दृश्य कलाओं का एक अच्छा सा मिश्रण है। तो सबसे पहले आप इमेज देखिए, आपको ये जो अदब लिटरेचर दिख रहा है इसमें आपको देखिए विजुअल आर्ट भी दिख रहा होगा ना, आपको इसमें इमेजेस दिख रही होंगी और इसमें आपको कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, तो इसी को बोलते हैं अदब लिटरेचर। इसमें क्या था कि इमेजेस के साथ अच्छे अच्छे वर्ड्स भी लिखे जाते थे। तो ये वर्ड्स का और विजुअल आर्ट्स का एक ब्यूटीफुल फ्यूजन था। अब देखिए एक अदीब था जिसका नाम था अमर अल जाहिज। तो देखिए इसने क्या करा, इसने कैप्टिवेटिंग राइटिंग करी यानी मनोरम लेखन लिखा, यानी ऐसा लेखन ऐसा लिटरेचर जिसको पढ़ के आपको बहुत ही ज्यादा मनोरंजन हो, आपका मनोरंजन हो जाए, आपको पढ़ के मजा आए। तो इसने कई सारे ऐसे लिटरेचर लिखे। और देखिए इसने क्या करा कि शानदार जो संरचनाएं होती हैं, जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, मिट्टी के बर्तन दिख रहे होंगे, ये जो पोएट्रीज होती थी, टेक्सटाइल यानी जो कपड़े वपड़े जो वस्त्र वगैरह होते थे और जो ज्वेलरीज होती थी यानी गहने, इनको मतलब बढ़िया बढ़िया चीजों को इसने अपनाया। तो देखिए इसके अपनाने की वजह से क्या हुआ, एक भव्य और एक आकर्षक जीवन शैली का निर्माण हुआ यानी एक लेविस लाइफस्टाइल का निर्माण हुआ। तो लेविस का मतलब होता है भव्य आकर्षक लाइफस्टाइल। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे आप खुद ही आकर्षक हो गए होंगे। तो देखिए जो फिर जो लेविस लाइफस्टाइल को अपनाता है यानी वो अदब को अपना रहा है यानी वो अदब से रहता है। अब हम दूसरा कल्चर देखेंगे जिसका नाम है अखलाक। अब देखिए इस्लाम के जो वैल्यू एथिक्स हैं, गुड कंडक्ट्स हैं, उनको अखलाक बोला जाता है। ये जो अखलाक है ये मुस्लिम लाइफ के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं। तो अखलाक का मतलब है इस्लाम के जो नैतिक यानी एथिक्स हैं और जो अच्छे आचरण यानी गुड कंडक्ट्स हैं, मतलब क्या क्या करना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, उनको अखलाक बोला जाता है। अब देखिए अखलाक में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि आपकी ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चाई, आपकी होनेस्टी और आपकी वर्शिप यानी पूजा पाठ और आपके डेली एक्शन, जो आप डेली एक्शन करते हैं मतलब आपके अच्छे कर्म, आपकी क्या क्या, आपकी ईमानदारी, आप जो भी काम करें पूरी ईमानदारी से करें है ना, आप जो रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, तो ये सब अखलाक में आ जाते हैं। तो मतलब एक मुस्लिम व्यक्ति का जो एक अच्छा आचरण होता है ना, जो गुड कंडक्ट होता है, उसी को अखलाक बोलते हैं। अब देखिए जो अखलाक है ना ये कोड ऑफ लाइफ है, यानी हमें एक लाइफ को कैसे जीना चाहिए, उसमें क्या क्या हमें कार्य करने चाहिए डेली बेसिस पे, तो इसी को बोलते हैं कोड ऑफ लाइफ। तो जो अखलाक है वो कोड ऑफ लाइफ है कि हमें जीवन को कैसे जीना है। और देखिए जो अखलाक है ना वो जितने भी अरेबियन मोरल ट्रेडिशन है उनको कंबाइन करता है और नए नए कॉन्सेप्ट्स को ऐड करता है, जैसे कि ब्रदरहुड यानी भाईचारा और अथॉरिटी यानी अधिकार और फॉस्टरिंग अ न्यू रिलीजियस कम्युनिटी यानी जो नए नए धर्म है उनको बढ़ावा देना। तो कहने का मतलब ये कि जो अखलाक है ना उसमें कई सारी मोरल वैल्यूज आ जाते हैं ना, जितना भी जो भी परंपराएं ट्रेडिशन है वो आ जाता है और जितने भी नए नए कॉन्सेप्ट है जैसे कि भाईचारा हो गया, जितने भी अधिकार हो गए वो सब उसमें आ जाते हैं, और जितने भी न्यू ट्रेडिशन जो भी न्यू रिलीजन है उसको मतलब प्रमोट करने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए भी उसमें कई सारी चीजें बताई गई हैं। तो मतलब ये क्या है, पूरा कोड ऑफ लाइफ है, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखिए जो कुरान है यानी जो मुस्लिम की जो होली बुक है और जो मोहम्मद साहब की टीचिंग्स है, वो लाइफ के, बिहेवियर के, फैमिली के और मैरिजेस से रिलेटेड, पॉलिटिक्स, कॉमर्स से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड और कई सारी चीजों से रिलेटेड कई सारे वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो जितने भी जो कुरान और मोहम्मद साहब के जितने भी मोरल्स है, प्रिंसिपल्स है ना, ये सब क्या है, अखलाक है। और देखिए कुरान क्या एक गाइड की तरह काम करता है बिलीफ्स, रिचुअल्स और इंटरेक्शन के लिए। मतलब कुरान बताता है कि हमें भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए, जैसी परंपराएं उनको कैसे फॉलो करना चाहिए, जितने भी रिचुअल्स है ना मतलब अनुष्ठान वगैरह होते हैं उनको कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी चाहिए, तो ये सारी चीजें हमें कुरान बताती है। और देखिए जो कुरान है वो कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड और पश्चाताप यानी रिपेंटेंस और वफादारी यानी लॉयल्टी
और ईमानदार यानी सिंसियरिटी, तो जो कुरान है ना इन सब पे जोर देती है। और देखिए कुरान ना अहंकार और थैंकलेसनेस यानी कोई व्यक्ति आपके लिए कोई काम करता है और आप उसके प्रति थैंकफुल नहीं है उसके प्रति, और प्राइड यानी घमंड के प्रति जो कुरान है वो निंदा करती है। जो कुरान है ना वो अहंकार घमंड को और थैंकलेसनेस को एक पाप के तौर पर मानती है। तो देखिए ग्रेटिट्यूड रेपेंटेंस लॉयल्टी और सीनियरिटी ये सब क्या है, अखलाक है, यानी ये एक मुस्लिम व्यक्ति के अंदर अच्छे से होनी चाहिए। अब अगला कल्चर हम पढ़ने वाले हैं सूफीज्म। अब देखिए जो सूफीज्म है ना एक इस्लामिक मेस्टिकल ट्रेडिशन है, मतलब एक रहस्यमय परंपरा है और ये 7th सेंचुरी में उभरी थी। और देखिए ये क्यों उभरी थी, द नीड फॉर इंडिविजुअल सेल्वेशन, तो ये इसलिए उभरी थी ताकि व्यक्तिगत मुक्ति की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। तो कहने का मतलब ये कि जो मुस्लिम लोग है ना उनको मुक्ति मिल सके, है ना सेल्वेशन मिल सके, तो उसके लिए ये सूफीज्म को लाया गया। तो देखिए सूफीज्म में क्या होता है, आपको एक तरीका बताया जाता है कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए। इसमें क्या होता है कुरान के कई सारे रिसिटेशंस होते हैं, यानी कुरान के बहुत सारे पार्ट्स वगैरह होते हैं, और इसमें प्रेजेंस ऑफ संत यानी जो मुस्लिम धर्म में जो संत होते हैं ना उनको हम बोलते हैं सूफीज। तो ये जो सूफीज होते हैं ना इनकी प्रेजेंस में जो लाइफ को कैसे जीना चाहिए, कुरान का कैसे पाठ करना चाहिए, गॉड के साथ हमें कैसा रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहिए, तो उसमें ये सब बताया जाता है। अब देखिए जो सूफीज्म है ना इसमें कई सारे ऐसे रूल और रेगुलेशन होते हैं जो कई सारे इस्लामिक स्कॉलर द्वारा अपोज किए गए हैं, यानी विरोध किए गए हैं। जो इस्लामिक स्कॉलर है ना उन्होंने सूफीज्म का विरोध करा है। अब देखिए उन्होंने क्यों विरोध करा है, क्योंकि उनका मानना है कि जो सूफीज्म में जितने भी रूल और रेगुलेशन और जो भी सिद्धांत वगैरह लिखे हुए हैं ना वो पहले से जो मुस्लिम है और कुरान में ना लिखे हुए हैं, पहले से ही मुस्लिम उसको फॉलो करते हैं, तो ये सूफीज्म जो कल्चर है इसको अलग से कल्चर बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसका विरोध किया गया है। तो ऐसा देखा जाता है कि पूरी हिस्ट्री में यानी पूरे इतिहास में सूफीज्म को लेकर कई सारा तनाव बना रहा है। अब देखिए सूफीज्म की जो प्रिंसिपल है ना उसमें एक वर्ड है फना। ये जो फना का कॉन्सेप्ट है ना इसका मतलब ये कि खुद का विनाश कर लेना, यानी खुद को विनाश करके पूरा प्रभु के मतलब जो गॉड है उनपे समर्पित कर देना, यानी जो गॉड है उनके अल्लाह उनपे फना हो जाना। तो देखिए कई सारे ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हैं जिनका मानना है कि जो सूफीज्म के जो प्रिंसिपल है ना ये जो अर्ली टाइम के जो बुद्धिज्म है और हिंदुइज्म है वहां से लिया गया ये प्रिंसिपल, क्योंकि आप देखेंगे कि बुद्धिज्म में भी और हिंदुइज्म में भी यही होता है कि अपने आप को जो संत महात्मा होते हैं पूरी तरीके से जो ईश्वर होते हैं उनपे समर्पित कर देते हैं खुद को। तो ऐसा माना जाता है कि जो सूफीज्म की जो प्रिंसिपल है ना ये बुद्धिज्म और हिंदुइज्म से प्रेरित है। तो देखिए जो इस्लामिक स्कॉलर थे वो सूफीज्म का विरोध कर रहे थे, ऐसे में क्या हुआ कि जो वेस्टर्न स्कॉलर थे जिसका नाम था लुइस मैसी गनॉन, तो उसने अपना एक तर्क दिया। तो उसने तर्क देते हुए कहा कि जो इस्लामिक मिस्टिसिज्म है ना यानी ये जो रहस्यमयवाद है ना ये कुरान से ही ओरिजिनेट हुआ है। अब थोड़ा अच्छे से समझिए, देखिए जो सूफीज्म है वो क्या इस्लामिक मिस्टिसिज्म है, यानी वो भी एक रहस्यमय है सूफीज्म भी। तो जो ये लुइस था इसका मानना था कि ये जो इस्लामिक मिस्टिसिज्म है कुरान से ही ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन जो इस्लामिक स्कॉलर थे ये इसका विरोध कर रहे थे कि जो सूफीज्म है ये इस्लाम से ओरिजिनेट नहीं हुआ है। और देखिए लुइस कहते हैं कि जो सूफीज होते हैं, सूफीज यानी जो मुस्लिम संत होते हैं, तो वो जो भी अपनी परंपराएं करते हैं ना उसकी जितनी भी सेंट्रल प्रैक्टिसेस होती हैं सूफीज की वो सब कुरान पर और उसके वर्सेस पे डिपेंड होती हैं, यानी जो कुरान है उसके जितने भी पार्ट हैं और उसके जितने भी वर्स हैं यानी आयाते हैं तो उससे ये सारी अपनी सेंट्रल प्रैक्टिसेस करते हैं। और देखिए जैसे हिंदुइज्म में वर्स को श्लोक बोला जाता है वैसे ही इस्लाम में वर्स को आयत बोला जाता है। तो जो सूफीज थे ना वो अपनी सारी जितनी भी परंपराएं फॉलो करते थे जितनी भी प्रैक्टिसेस करते थे वो कुरान पे और आयत पर बेस्ड थी। और देखिए जो सूफीज थे ना वो कई सारी तपस्या करते थे, काफी सारी प्रेयर करते थे और संसार की जितनी भी इच्छाएं होती थी ना उनको त्याग कर वो जो भी ईश्वर है ना उनको अनुभव करते थे। तो जो सूफी से है ना उनका ये मानना है कि हमें मोह माया में नहीं पड़ना है, जो भी संसार की जितनी भी डिजायर्स हैं जितनी भी इच्छाएं हैं उनको त्याग दे और जो भगवान है उनकी शरण में उनको चाहे उनको अनुभव करें, उनको फील करें, उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने को फील करें, उनको ऐसे फील करें कि हम मतलब जो हम है और जो भगवान है उनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। अब देखिए जो सूफीज थे ना उन्होंने लोगों के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, उन्होंने कोशिश करी कि लोगों के आध्यात्मिक विकास को बढ़ाया जा सके। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट्स लाए जैसे कि त्याग है ना और ईश्वर का भय मतलब गॉड का फियर और स्वर्ग की इच्छा और ईश्वर के लिए लालसा शामिल है। तो जो सूफीज थे ना उन्होंने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए लोगों को कहा कि अपने जो भी मोह माया है उसको त्याग दो, तपस्या करो और तुम्हें भगवान का डर होना चाहिए, है ना भगवान तुम्हें हर पल देख रहा है तो तुम्हें अच्छे काम करने चाहिए, और स्वर्ग की लालसा उनके मन में जगाई कि तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और उन्हें ना भगवान की लालसा दी कि तुम अच्छे अच्छे काम करो तो तुम्हें भगवान के पास जाने का मौका मिलेगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब देखिए सूफीज्म के की एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, तो वो है पेशेंस ग्रेटिट्यूड ट्रस्ट इन गॉड और कंटेंटमेंट यानी धैर्य कृतज्ञता और भगवान में विश्वास और संतुष्ट, ये सब क्या थे सूफीज्म के की एस्पेक्ट्स थे। मतलब सूफीज्म में ना इन चार चीजों पे बहुत ही ज्यादा जोर दिया, उन्होंने कहा कि लोगों को धैर्य होना चाहिए उनमें है ना, तपस्या वगैरह करेंगे तो उसमें धैर्य आ जाएगा और उसमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए और भगवान पर ट्रस्ट होना चाहिए।
और उनको जो भी मिलता है ना, जो भी उनके पास है, उनको संतुष्ट रहना चाहिए, कभी भी मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। और देखिए, जो सूफीज होते हैं उनको ऐसा माना जाता है कि वो ह्यूमन और गॉड यानी इंसान और भगवान के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं, यानी बीच वाले का काम करते हैं। वो ह्यूमन को गॉड से मिलवाने का काम करते हैं, इंसानों को दिशा देते हैं, गाइड करते हैं कि तुम्हें भगवान तक कैसे पहुंचना है। और ऐसा माना जाता है कि जो सूफीज होते हैं ना, उनके पास थोड़ी स्पेशल पावर्स होती हैं। अब हम देखेंगे अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड। अब हम जानेंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड में जो शहरीकरण है यानी अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, और जो व्यापार है उसकी स्थिति क्या थी, और वो कैसे फैला। अब देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे इस्लाम का बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल एडवांसमेंट हो चुका था, उसी के साथ साथ अर्बनाइजेशन भी होने लगा था। जो अर्बन है ना, वो एक्सपेंशन करने लगा, शहर बसने लगे बड़े बड़े, जैसे कि आपको इमेज भी दिख रहा होगा, ये गैरिसन टाउन्स हैं, जैसे कि बरसा, कूफा, फुस्टट, तो ये सारे क्या है, इस्लामिक वो है टाउन्स है जो इस्लाम के द्वारा बसाए गए थे, ये सारे शहर है। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ रहा था। और देखिए, जो ट्रेड है और जो कॉमर्स है उसने सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करा ग्रोथ में, किसकी, अर्बन सेंटर की। तो अर्बन सेंटर की ग्रोथ जब भी होती है जब ट्रेड और कॉमर्स काफी ज्यादा बढ़िया हो। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो अरब है ना, उसके कई सारे ट्रेड रूट हुआ करते थे, वो चाइना तक अपना जो व्यापार है वो फैला रखा था, उसने चाइना से भी व्यापार करता था। तो वो कई सारी जगह पे, अफ्रीका पे, यूरोप से, चाइना से, इंडिया से, और कई सारे और भी कंट्रीज से व्यापार करता था। वो पानी के जरिए भी करते थे और जमीन के रास्ते भी करते थे, और कई सारे रिवर रूट्स भी हुआ करते थे। और देखिए, ट्रेड की वजह से क्या होता है, इंटरेक्शन होता है कल्चरली, है ना। जब एक व्यक्ति दूसरे देश में जाके अगर व्यापार करता है तो उसका जो भी कल्चर होता है वो दूसरे देश में भी लेके जाता है अपना कल्चर और जो भी उसकी संस्कृति है। तो इससे क्या होता है कि जो दूसरे देश वाले हैं वो भी उसकी संस्कृति को समझने लगते हैं, सीखने लगते हैं। तो देखिए, ऐसे ही हुआ, जो अरब के लोग थे ना, जो नॉन अरब के लोग थे, तो वो क्या करते, आपस में इंटरेक्शन करने लगे, जिससे कि क्या हुआ कि ईरान में जो एक ना कल्चरल फ्यूजन हुआ, जैसे कि जो पर्शियन कल्चर है ना वो अलग से निकल कर आया, क्योंकि जो अरब का अलग कल्चर था, नॉन अरब का अलग कल्चर था, दोनों आपस में मिले और एक पर्शियन कल्चर बन गया। अब देखिए, जो पर्शियन कल्चर है ना, ये इस्लामिक सिविलाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी एक अभिन्न अंग है। अब देखिए, बोर्ग्यूगीज का मतलब होता है पूंजीपति, यानी जो यूरोपीय पूंजीपति वर्ग था ना, उससे अलग एक नया वर्ग निकला जिसे मुस्लिम शहरी मध्य वर्ग कहा जाता है, यानी मुस्लिम अर्बन मिडिल क्लास। तो देखिए, इनका उदय कैसे हुआ, व्यापार के कारण हुआ। जब ये एक देश से दूसरे देश, मान लीजिए यूरोप में ये ट्रेड करने गए, तो अब देखिए उनके पास पैसा आ गया था, पैसा आ गया तो इनका जो क्लास है वो भी बढ़ गया था, तो ये मिडिल क्लास के रूप में निकल कर आए थे ये मुस्लिम यूरोप में। और देखिए, जैसे जैसे इनके पास ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा, जैसे इनके पास पैसा आया ना, इनकी क्या संख्या भी बढ़ने लगी। इसकी वजह से क्या हुआ, इनके पास ना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल भी धीरे धीरे आने लगा। तो ट्रेड की वजह से इनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रोथ दोनों हुई। अब हमारा अगला टॉपिक है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब देखिए, आपको याद होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने आपको इमेज के थ्रू आर्ट और आर्किटेक्चर समझाया था, उसमें मैंने आपको बाइजेंटिक एम्पायर का भी आर्किटेक्चर दिखाया था। तो अब देखिए, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है ना, वो पर्शिया और बाइजेंटिक एम्पायर का जो आर्किटेक्चर है उससे प्रेरित है। तो देखिए, जो पर्शिया है ना वो आज के टाइम का ईरान है, और जो बाइजेंटिक है ना वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था। तो इन दोनों की जो आर्ट है ना, उससे कंबाइन होकर एक इस्लामिक आर्किटेक्चर बना है। अब देखिए, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसे पर्शियन आर्ट से क्या क्या मिला। तो देखिए, उसे मिला इंट्रिकेट एंड नॉन नेचुरलिस्टिक डेकोरेटिव मोटिव्स। तो देखिए, मोटिव्स का मतलब होता है डिजाइन होता है, तो मतलब इंट्रिकेट और नॉन नेचुरलिस्टिक आपको डेकोरेटिव डिजाइंस पर्शियन आर्ट से मिले। तो सबसे पहले आप इंट्रिकेट डिजाइन देखिए, आपको ये दीवार में देखिए, आपको ये दिख रहे होंगे ना घोड़े, और इसके ऊपर आपको ये दिख रहे होंगे इसको चलाने वाले, तो ये देखिए बिल्कुल मतलब खोद खोद कर इसको दीवार को तराशा गया है। तो ये जो जटिल ये जो डेकोरेटिव डिजाइन होते हैं इसी को बोलते हैं इंट्रिकेट। अब देखिए, आपको नॉन नेचुरलिस्टिक डेकोरेटिव डिजाइन दिख रहे होंगे, आपको देखिए ये डिजाइन दिख रहा होगा, ये सारे डिजाइन आपको दिख रहे होंगे, और देखिए आपको एक पेंटिंग दिख रही होगी, तो ये सारी डिजाइन और ये पेंटिंग्स कहाँ से आए हैं, ये पर्शियन आर्ट से आए हैं। अब चलिए देखते हैं कि बाइजेंटिक आर्ट से क्या मिला। तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था बाइजेंटिक आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो देखिए, एक बार आपको डिजाइन दिख रही होगी, तो बाइजेंटिक आर्ट ने देखिए डोम दिया, आपको बीच में डोम दिख रहा होगा ना, गुंबद, और आर्चेस दी। आर्चेस क्या होते हैं, जो आप गेट देखते ना, गेट के ऊपर कैसे डिजाइन सा होता है, तो वो आर्चेस होती हैं। और कॉलम दिया आपको, उसके आजू बाजू कॉलम दिख रहे होंगे, ये चार है ना, तो ये कॉलम्स दिए। तो ये सारा जो डिजाइन है कहाँ से आया, बाइजेंटिक आर्ट से आया है। तो देखिए, अगर आप अभी भी किसी मस्जिद को देखते होंगे, आपको बीच में गुंबद दिखता होगा, आजू बाजू आपको वो दिखते होंगे कॉलम्स, और बीच में आर्चेस आपको दिखती होंगी गेट पे जो डिजाइन होता है ना, और मस्जिद के अंदर कई सारी डिजाइन आपको दिखती होंगी। तो ये दर्शाता है कि ये जितनी भी चीजें आई है ना आर्ट और आर्किटेक्चर, सब पर्शियन और बाइजेंटिक आर्ट से आई है। और देखिए, जो इस्लामिक वास्तुकला यानी जो आर्किटेक्चर है, एक प्रमुख भूमिका निभाता है इस्लामिक कला में। अब देखिए, अगर आपको इस्लामिक आर्ट देखना है तो आप मस्जिद जा सकते हैं, जो मॉस्की होते हैं वहां पे आपको आर्ट देखने को मिलेगी, जो पैलेसेज होते हैं जो इस्लामिक आर्ट द्वारा बनाए गए हैं ना, जो महल वगैरह होते हैं उनको आप देख सकते हैं, स्कूल, लाइब्रेरीज, जो प्राइवेट ड्वेलिंग यानी जो प्राइवेट हाउसेज होते हैं ना, मकान वगैरह, उनको देख सकते हैं, और जो अस्पताल होते हैं, हॉस्पिटल्स को, और अदर सेक्युलर स्ट्रक्चर्स को, तो इन सबको आप देख सकते हैं, वहां पे आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स को देखने को मिलेंगे।
अब चलिए हम देखते हैं कि आर्किटेक्चुरल फीचर, मतलब जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है ना, उसमें क्या क्या की फीचर्स होते हैं, क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हर आर्किटेक्चर में सेम होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है डोम यानी गुम्बद। जो भी इस्लामिक आर्किटेक्चर है ना, उसमें आपको डोम तो दिखेगा ही दिखेगा, यानी गुम्बद दिखाई देगा। चाहे आप स्कूल ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, है ना, कोई भी मॉन्यूमेंट ले लीजिए, उसमें आपको एक गुम्बद दिखाई देगा। तो देखिए, गुम्बद के साथ साथ आपको मीनारे भी दिखेंगी, जिसे मिनरेट्स भी बोला जाता है। तो ये टॉल टावर्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है कॉल टू प्रेयर, यहाँ से ना प्रेयर की जाती है भगवान के लिए। और देखिए, इनके जो आर्चेज होती है ना, वो हॉर्स शू की होती हैं, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। मैंने आपको देखिए पहली वीडियो में भी आपको आर्चेज दिखाई थी कैसी होती हैं, एक राउंडेड होती है, एक पॉइंटेड होती है। और देखिए, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, इसमें हॉर्स शू आर्चेज होती हैं, जैसे कि घोड़े की आपने नाल देखी होगी ना कैसी होती है, वैसी इनकी आर्चेज होती हैं। और देखिए, इनके जो कॉलम होते हैं ना, वो ट्विस्टेड होते हैं, जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा ना, इसका जैसे आपको डिजाइन है, ये ट्विस्टेड है। तो ये सारे की फीचर्स होते हैं जो आपको हर आर्किटेक्चर में देखने को मिलेंगे। अब हम देखेंगे डेकोरेटिव टेक्निक। ये जो आर्किटेक्चर बनाते हैं ना, जो इस्लामिक आर्ट है, इसमें क्या क्या चीजें यूज करते हैं अपनी मॉन्यूमेंट्स को डेकोरेट करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले वो छोटे छोटे जो स्टोन होते हैं उसको तराशते हैं और उसको फिर विंडो में लगाते हैं, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं ना, इसमें बहुत छोटे छोटे स्टोन को तराशा गया, फिर उसको लगाया गया है विंडोज में। और देखिए, अल्टरनेटिंग ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स का वो यूज करते थे, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, आपको ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप्स दिख रही होंगी, तो वो अलग अलग पैटर्न का यूज करके इसको सजाते थे। और मोनेक्स का भी यूज करते थे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था ना, एक जीजस की फोटो दिखाई थी, उसको छोटे छोटे पत्थर और टाइल्स से बनाया गया था, तो उसी इमेज को बोला था मोनेक्स। तो अब इनके में तो देखिए जीजस तो होती नहीं है, तो ये अब क्या करते हैं, छोटे छोटे टाइल और पत्थर को गुम्बद वगैरह में, अंदर जो इंटीरियर होता है दीवार वगैरह, वहां पे ये डेकोरेट करने के लिए यूज में करते हैं। और कई सारी जो अरेबिक स्क्रिप्ट होते हैं ना, उनको दीवार पे या वो पिलर्स वगैरह पे लिखा जाता है। और अगर हम बाहर की बात करें ना, एक्सटर्नली, तो जो बाहर में जितनी भी सजावट की जाती है वो सिमिलरली होती है बाइजेंटिक स्टाइल में। जो भी पहले मैंने आपको इमेज में बाइजेंटिक स्टाइल दिखाया था ना, कैसे बाहर सजावट की जाती है, सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर भी की जाती है। अब हम देखेंगे आर्टिस्टिक मीडियम्स। अब देखिए, हमने समझ लिया कि उनका आर्किटेक्चर कैसा होता है, अब हम आर्ट को देखेंगे। तो देखिए, जो इस्लामिक आर्ट है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज है, बहुत ही सारे आर्टिस्टिक मीडियम्स भी हैं। देखिए, सबसे पहली आर्ट है कालीन की बुनाई, है ना, व्हिपिंग ऑफ कारपेट। आपको ये सारे दिख रहे होंगे इमेजेस में भी, आप देख सकते हैं कि कारपेट कैसे डिजाइन के होते थे। और अगला आर्ट देखिए इनका, ब्रोकेट सिल्क एंड टेपिस्ट्रीज, मतलब आपको देखिए ये ताजमहल दिख रहा होगा, ये सारा ये सिल्क का कपड़ा है और इसके ऊपर ये ऐसे डिजाइन बनाए जाते थे। और देखिए, आपको मेटल वर्क देखने को मिलेगा, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये मेटल है ना, लोहा हो गया और भी कई मेटल, कॉपर वगैरह भी होते थे, तो उस पर ये आर्ट अपनी दिखाया करते थे। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा जग सा, और ये आपको एक बॉल दिख रही होगी, ये सारी मेटल की है। और फिर आपको एनेमेल्ड ग्लास वर्क भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको इमेज दिख रही होगी, ये जग दिख रहा है ना, ये पूरा ग्लास का है, यानी कांच का है, और इसके ऊपर देखिए क्या बढ़िया सी डेकोरेशन करी गई है। और जैसे कि आपको ये दिख रही होगी, ये सुराही बोलते हैं शादी से, तो इस पे भी क्या बढ़िया डिजाइन बनाया गया है। और देखिए, अगली आर्ट थी पेंटेड पोएट्री। तो देखिए, आपको इमेज में दिख रही होगी, आपको ये पोएट्री दिख रही है, ऊपर पोएट्री लिखी हुई है और नीचे इसके आपको इमेज दिख रही होगी, और ये पेंटेड होती थी। और एक इमेज और दिख रही होगी जिसमें ये दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं, और उसके ऊपर देखिए पोएट्री लिखी हुई है, और बीच में इसके ऊपर पेंटिंग बना दी गई है, और पेंटिंग भी काफी मस्त बनाई हुई है। तो ये सारी इस्लामिक आर्ट थी। तो हमने आर्ट और आर्किटेक्चर दोनों देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।